उत्तर प्रदेश की योगी राज के तर्ज में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी अपने कड़े और सटीक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जैसे ही थूक जिहाद पर अपना सिकंजा कसा है, वैसे तुरंत ही सीएम धामी ने भी कड़ा फैसला लेते हुए सख्त हो गए हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं नुस्तु पाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में लगातार माहौल खराब करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आई हैं और इसी बीच थूक जिहाद ने भी तेजी से एंट्री मारी है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। इसी के साथ ही धामी ने यह भी कहा कि राज्य में थूक जिहाद और लैंड जिहाद मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही संबंधित मामले में जांच सघन तरीके से करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरी दुनिया उत्तराखंड को श्रद्धा और आस्था के रूप में देखती है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि की लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसके चलते यहां पर लैंड जिहाद या लव जिहाद और तेजी से बढ़ रहा है थूक जिहाद। इसको हम रोकेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। धामी ने कहा कि वे इस मामले में प्रशासन से कहेंगे कि इसकी जांच सघन तरीके से करें और उन्होंने कहा कि त्योहार के सीजन में सभी को खाने की चीजें और अन्य चीजें शुद्ध प्राप्त हों। साथ ही कहा कि थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कहा कि किसी भी तरह का जिहाद देवभूमि में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार माहौल खराब करने के जो षड्यंत्र रचने वालों को सीएम धामी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने थूक जिहाद और लैंड जिहाद मामले पर भी कार्रवाई करने को लेकर के सघन अभियान चलाने की बात भी कही है। सीएम धामी ने यह बात देहरादून में आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में कही है। मुस्लिम दुकानदारों के खाने पीने के सामान में मिलावट करने और उसे दूषित करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त हो गए और सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जमीन से लेकर के थूक किसी भी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर के एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी, भूमि जिहाद लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों ने उत्तराखंड में थूक जिहाद का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं उसको भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को दुनिया देवभूमि के तौर पर देखती है और इसे बचाए रखने के लिए हम हर कदम उठाएंगे। सीएम धामी ने राज्य में जमीन कब्जाने को लेकर के भी कड़ा रवैया अपनाने की बात कही है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए आपको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।